प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूके ब्रॉस क्रिकेट स्ट्रीम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको पता ही होगा हम हर रोज़ 8:30 बजे क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता था, श्रीलंका के कई खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया था पाकिस्तान जाने से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर अटैक होते हैं, तो श्रीलंका के प्लेयर्स ने मना कर दिया था। अब बहुत से नए चेहरे श्रीलंका के T20 टीम में देखने को मिलेंगे, जो कि स्क्वाड उनका आ चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं आपको एक बार टीम बता दूं। दशुन शन का कैप्टन सदिरा समा विकर्मा, अविष्का फर्नांडो, ओशाडा फर्नांडो, शहनजय सूर्या, एंजेलो पेरेरा, विनोद भनुका, वनिंदु हसारंगा, लक्षण चंदागन, नुवान प्रदीप, कसूद रजिता, रजरू कुमारा, यसुरु राणा, भनुका, राजापक्सा। ये है श्रीलंका का स्क्वाड T20 के लिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ इनको खेलनी है पाकिस्तान में। अगर मोस्ट कंसिक्यूटिव 50 प्लस स्कोर्स की बात करें एक टीम के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, तो स्टीव स्मिथ ने 10 50 प्लस स्कोर किए हैं कंसिक्यूटिव इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने यह रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले रिकॉर्ड इंजमान उल हक के नाम था, जो कि इमाम उल हक के रिलेटिव में हैं, उनके चाचा हैं। उन्होंने 9 हाफ सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ ही। उसके बाद क्लाइव लॉयड, जो कि वेस्टइंडीज से कैप्टन थे जब वेस्टइंडीज पहला और दूसरा वर्ल्ड कप जीती थी 1975 और 1979 में, जब क्लाइव लॉयड कैप्टन से वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप जीती थी 2 बार, उनका भी रिकॉर्ड है 8 हाफ सेंचुरी लगातार इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। फिर चौथे स्थान पर जैक कालिस, 8 हाफ सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ। फिर पांचवें पर कुमार संगकारा, बांग्लादेश के खिलाफ 8 हाफ सेंचुरी। आज ही के दिन 2007 में धोनी बने थे T20 कैप्टन। इस धोनी को 12 साल हो गए कैप्टन धोनी को, मतलब 12 साल पहले वो कैप्टन बन चुके थे। उन्होंने अपना कैप्टनसी का पहला मैच खेला था और डिफेंड किया था 1 रन फाइनल बॉल में, जिस बॉल में आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, जिसमें बॉल बोल्ड हुआ था वो, और 33 रन भी मारे थे उन्होंने बैट से। अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट में, जो कि हर देश में लीग होती है, तो ट्रिनिदाद नाइट राइडर्स ने कल रिकॉर्ड बना दिया है 267 पे, 2 उन्होंने रन बनाए 20 ओवर में। जोफ्रा आर्चर अपने एसएस का चौथा मैच ही खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा सिक्स फॉर हॉल लिया है। उन्होंने कल 23.5 ओवर में 9 मेडन डालकर 62 रन देकर 6 विकेट झटके और अपनी टीम को क्रूशियल 69 रन की लीड दिलाई। जो जैसा कि मैंने बताया हाईएस्ट T20 फ्रेंचाइजी स्कोर, तो उस मैच में कॉलिन मनरो ने 50 बॉलों में 96 मारे थे 6 चौके और 8 छक्कों की मदद से, और उसी मैच में उन्हीं की टीम से लैंडन सिमस ने 42 बॉलों पर 86, 5 छक्के 8 चौके, और पोलार्ड ने 17 बॉलों में 45 रन 4 चौके 3 छक्के 267 रन बनाए थे उन्होंने 20 ओवर में। ये शाहरुख खान की टीम है ट्रिनिदाद नाइट राइडर्स, जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रही है आजकल। रायन बुल जिम्बाब्वे के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ने 16 ओवर में साकिब अल हसन के 1 ओवर में 30 रन मारे और अपने करियर की पहली T20 50 मारी। उन्होंने इस ओवर में पहली बॉल पर छक्का चौका चौका छक्का चौका और छक्का 6 बॉलों में उन्होंने 30 रन मारे और अपनी पहली 50 अब पूरी की T20 क्रिकेट में, वो भी साकिब अल हसन के खिलाफ। तो दोस्तों, आज की क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और क्रिकेट से जुड़ी अगर आपके पास कोई भी क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।